वेल प्लेड, कमाल कर दिया है आज एक बार फिर भारतीय टीम ने आईपीएल के हीरो वेस्ट इंडीज में जीरो। भैया हमारे प्रिंस शम्मन गिल पिछले 8 इनिंग्स में उठा के देख ले, सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है उन्होंने, वो भी आखिरी ओडीआई मैच में। भैया क्या चाहते हैं आप लोग? वेस्ट इंडीज की वो टीम 2017 में जो के क्वालिफाई नहीं कर पाई चैंपियन ट्रॉफी में, 2022 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर नहीं पाई, और वो टीम जो है वो क्वालिफाइंग राउंड में स्कॉटलैंड से हार रही है, नेदरलैंड से हार रही है, और आप लोग उनसे हार रहे हैं। वाह, एक बार फिर क्लैपिंग आप लोगों के लिए। शम्मन गिल के स्ट्राइक रेट को देख लें, ईशान किशन के स्ट्राइक रेट को आप लोग देख लें, अक्षर पटेल और उसके अलावा तिलक वर्मा के अलावा किसी बल्लेबाजी की कोई परफॉर्म हमें देखने को नहीं, बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं। ये है आपकी एशिया कप की तैयारी, ये है आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी जो कि आपके घर में है। तो भैया सीखें जो लीग्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज, पाकिस्तान के गेंदबाज। भैया आप लोग वेस्ट इंडीज में जाकर नए यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे। खैर अब तो यंग तो कोई भी नहीं रह चुका, ईशान किशन जो कि हमारे आईपीएल में करोड़ों के बिकते हैं ना, ऐसे ही है ना, करोड़ों के बिकते हैं क्योंकि वो आईपीएल में रन बनाते हैं ना। और शम्मन गिल हमारे प्रिंस यहां पे लगा के रखा है ना शम्मन गिल को, और करे बाबर के साथ कंपैरिजन, क्या बारी आई है शम्मन गिल की मुझे बता दे भैया। वेस्ट इंडीज की थर्ड क्लास गेंदबाजी है, मैं तो भैया थर्ड क्लास ही गेंदबाजी बोलूंगा, चाहे जॉनसन हो चाहे जो कोई भी हो, क्योंकि भैया जो टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर रही, T20 में क्वालिफाई नहीं कर रही, तो वो टीम थर्ड क्लास ही होगी, ठीक है ना। और आप लोग उनके सामने चौक कर रहे हैं, सिर्फ 150 रन नहीं बन पाए यार आप लोगों से। आप लोगों के सामने मुझे बताएं कौन सा नसीम शाह था, कौन सा शाहीन शाह था भैया, किसी का भी? सिर्फ तिलक वर्मा और अक्षर पटेल का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से ज्यादा नजर आ रहा है, और किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर नजर नहीं आ रहा। हमारे हार्दिक पांड्या जिसको हमने कैप्टन बना के भेजा के भैया जाएं ये टीम आपके हवाले, और आप जाएं और वेस्ट इंडीज को पहले, बस ये हमारी तैयारी है भैया। वर्ल्ड कप के ऊपर उम्मीदें मत लगाए, ठीक है, एशिया कप के ऊपर उम्मीदें मत लगाए। जो टीम वेस्ट इंडीज के सामने चौक कर रही है भैया, वो पाकिस्तान का सामना किस तरह करेगी, श्रीलंका का श्रीलंका के घर में सामना किस तरह करेगी भैया। हम तो बोलेंगे सच कि अगर किसी को कड़वा लगता है तो लगने दे, ठीक है ना। हमने जब से चैनल बनाया भैया, अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से खराब खेलेगा तो भैया हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक देख ले आप लोग कि बहुत अच्छी परफॉर्म नजर आ रही है, वर्ल्ड कप की तैयारी नजर आ रही है उन लोगों की। अभी आप लोग देख ले बाबर आजम श्रीलंका में लीग्स खेल रहे हैं, ठीक है ना। शहीनशाह अफरीदी आप लोग देख ले 100 लीग्स खेल रहे हैं, और उनकी आप क्वालिटी गेंदबाजी, बाबर की क्वालिटी बल्लेबाजी आप लोग देख रहे हैं ना, और फिर आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं बाबर को कि बाबर ने 52 गेंदों पर 59 रन बनाए। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि उनकी टीम मैच जीत रही है भैया। पहला T20 मैच जो है वो भारतीय टीम बहुत बुरी तरह से हार चुकी है, 150 रन का टारगेट इनसे नहीं चेज हो पाया, तो भैया ये आगे जाके क्या करेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि ये वेस्ट इंडीज से जो है सीरीज जीत भी लेंगे, अगर सीरीज जीत भी लेंगे तो भैया कोई मारका नहीं मारेंगे, ठीक है ना। पहले T20 में बुरी तरह से वेस्ट इंडीज की टीम ने 5 रन से जो है वो शिकस्त दे दी है हमारी भारतीय टीम को, हमारी करोड़ों की टीम को, बिलियन डॉलर्स की टीम को, ठीक है ना, शिकस्त दे दी, क्योंकि भैया हमने ना कोई लीग खेलनी है ना हमारी कोई तैयारी है, ठीक है ना। हम लोग बस आईपीएल खेलेंगे और आईपीएल जीतेंगे, और हमने अपने फैंस को उठा के दे देंगे, ये लो भैया आईपीएल का ये कप है, अपने पास रखें और इसी से गुजारा करें, ठीक है ना। बस आप लोग इसी तरह से आप लोग हमारे साथ करते रहना, और हम भी हैं, एक दो दिन देखेंगे, अगला मैच जीतेंगे और हम क्लैपिंग करना शुरू कर देंगे। तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, ठीक है, तफसील के साथ, शम्मन गिल के ऊपर, ईशान किशन के ऊपर और हार्दिक पांड्या के ऊपर, इन तीन बल्लेबाज, सूर्य कुमार यादव उसके ऊपर भी कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने इंतजार करना है, ठीक है ना, अभी मैं इनकी क्लास लूंगा, कल को लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों ने
अपना रखना है ख्याल, बाय बाय।